नमस्कार मित्रों, आपका जीपीएस क्लास एकेडमी में स्वागत है। आज का टॉपिक हमारा होगा दातुरूप। बच्चे की मांग हो रही थी कि दातुरूप पढ़ाया जाए, क्योंकि दातुरूप में उनके कुछ क्वेश्चन में कठिनाई हो रही थी और मेरे को कह रहे थे सर आप दातुरूप पढ़ाओ, दातुरूप का दो नंबर का क्वेश्चन आता है टेंथ और एट में। तो आज हम जानेंगे दातुरूप किसे कहते हैं, धातु के कितने भेद होते हैं और कौन कौन से भेद आपकी क्लास में चलते हैं। आइए जानते हैं धातु की परिभाषा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु की परिभाषा क्या है? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु के भेद। संस्कृत में धातु के तीन भेद होते हैं। आपको पूछा जाए कि धातु के कितने भेद होते हैं तो आप बताएंगे संस्कृत में तीन भेद होते हैं, हिंदी में दो होते हैं। जान लेते हैं कौन कौन से हैं। पहला है परस्मैपदी, दूसरा है आत्मनेपदी, तीसरा है उभयपदी। ये तीन भेद आपके हैं। पहला परस्मैपदी, दूसरा आत्मनेपदी, तीसरा उभयपदी। अब आपके सिलेबस में टेंथ और एट को देखते हुए दो ही चलते हैं, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। अब इसमें धातु रूप को करने से पहले लकार का भी ज्ञान होना आवश्यक है। लकार कितने हैं? तो लकार कितने हैं? तो संस्कृत में लकार पांच होते हैं। लकार कितने होते हैं? पांच होते हैं। वैसे लकार दस होते हैं, लेकिन आपके सिलेबस में पांच लकार चलते हैं, इसलिए पांच लकार का ज्ञान होना आवश्यक है। उनको क्या कहते हैं देखिए, पहला है लट लकार, उसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान काल। दूसरा है लंग लकार, भूतकाल। तीसरा है लेट लकार, भविष्यत्काल। भविष्यत्काल। चौथा है लोट लकार, आज्ञार्थ। पंचम नंबर का है विधिलिंग लकार, विधिलिंग लकार हिंदी होता है चाहिए अर्थ। अब देखो संस्कृत में लकार कितने होते हैं? पांच होते हैं। पहला है लट लकार वर्तमान काल, दूसरा है लंग लकार भूतकाल, तीसरा है लिट लकार भविष्यत्काल, चौथा है लोट लकार आज्ञार्थक काल, पांचवा है विधिलिंग लकार और चाहिए अर्थ में। धातु को करने से पहले उसकी परिभाषा, उसके भेद, उसके लकार कितने चलते हैं, ये हम सबको ज्ञान होना चाहिए, तभी हम धातु रूप बना सकते हैं। आइए देखते हैं आगे।
परस्मैपदी धातु कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। परस्मैपदी धातु कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। पठ, लिख, वद, गम, पिब, चोर, क्री, धाव, पत इत्यादि। ये परस्मैपदी धातु हैं। और भी हैं परस्मैपदी धातु, ऐसा नहीं है कि परस्मैपदी धातु इतनी है, लेकिन आपको समझाने के लिए हमने यहाँ लिखा है पठ, लिख, वद, गम, पिब, चुर, क्री, धाव, पत इत्यादि। ये क्या हैं? परस्मैपदी धातु हैं। अब दूसरे नंबर पर है आत्मनेपदी धातु। आत्मनेपदी धातु, आत्मनेपदी धातु लब, सेव, ये दो धातु क्या हैं आपके? आत्मनेपदी हैं। या आपके सिलेबस में भी चलती हैं, एट और टेन दोनों में चलती हैं। आत्मनेपदी धातु से भी क्वेश्चन बनता है और परस्मैपदी धातु से भी क्वेश्चन बनता है। अब हम जान लेते हैं इन धातुओं को बनाने के लिए पांचों लकार का ज्ञान होना आवश्यक है। जैसे लट लकार में कैसे बनेगा, लंग लकार में कैसे बनेगा, लिट लकार में कैसे बनेगा, लोट लकार में कैसे बनेगा, विधिलिंग लकार में कैसे बनेगा। ये हमको लकार का ज्ञान आवश्यक होगा, तभी हम इसको कर पाएंगे। आइए देखते हैं। पहला लकार है हमारा, हम ले लेते हैं पहले धातु पट धातु। पट धातु, इसका हिंदी अर्थ होता है पढ़ना। और किस लकार में करेंगे? पहला लकार है लट लकार वर्तमान का। वर्तमान काल, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान इसमें पुरुष का होना चाहिए। तो संस्कृत में पुरुष कितने हैं? तो संस्कृत में पुरुष तीन हैं। संस्कृत में पुरुष तीन होते हैं। संस्कृत में पुरुष कितने होते हैं? तीन होते हैं। कौन कौन से हैं? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष, आपको पूछा जाए कि संस्कृत में पुरुष कितने हैं तो आप बताएंगे तीन होते हैं। कौन कौन से? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अब आपको थोड़ा सा ज्ञान और होना चाहिए संस्कृत में वचन का। संस्कृत में वचन तीन होते हैं। संस्कृत में वचन तीन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। संस्कृत में वचन कितने होते हैं? तीन होते हैं। आपको पूछा जाए कौन कौन से हैं तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ तक हमने देखा। अब आपके पट धातु लट लकार वर्तमान काल में कैसे बनेगा ये हम जानते हैं और देखते हैं। पट धातु पढ़ना, लट लकार वर्तमान का। अगर आपने पांचों लकार में पट धातु को देख लिया तो आपके परस्मैपदी धातु कितनी भी हो सारे के सारे आप लकार में कर सकते हो। एक बार आप ध्यानपूर्वक देखना कि कैसे लट लकार में बनता है, सारे लकार में किस प्रकार हम बनाते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने बोला था पुरुष का ज्ञान होना चाहिए, तो मैंने बताया था पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष
उत्तम पुरुष, और वचन का भी ज्ञान होना चाहिए, द्विवचन बहुवचन। अब आइए बना लेते हैं, एक वचन में क्या बनेगा, पटका पटती, द्विवचन में पटता है, बहुवचन में पटंती, पटसी, पठत, पठत। पठामी, पठावे, पठाम। यह आपके पट धातु लट लकार में बन गई। जैसे पटती, पटत, पठंती, पटसी, पटत, पटत, पठामी, पठावे, पठाम। ठीक है, यह आपके लट लकार में बन गई। मैं इसकी जगह अगर वद धातु लेता तो वद भी कैसे बनती, वदती, वदत, वदंती, वत्सी, वदत, वदत, बदामी, बदावे, बदाम। मैं इसकी जगह अगर लिख लेता तो कैसे बनती, लिखती, लिखत, लिखंती, लिखसी, लिखत, लिखत, लिखामी, लिखावे, लिखाम। यानी एक धातु रूप आपके याद हो गई तो सारे के सारे रूप में आपकी याद हो जाएगी। दूसरा लकार देखते हैं, लंग लकार, इसमें कैसे बनेगी, भूतकार। सेम प्रोसेस रहेगी, पुरुष वचन, तो देखिए अपठत, अपठताम, अपठन, अपठ, अपठतम, अपठत, अपठम, अपठावे, अपठावे। यह आपके लंग लकार में, लंग लकार में जहाँ कहीं भी आपको पटत से पहले अ दिखाई दे, समझ जाना ये लंग लकार और भूतकाल है। जैसे अपटत, अपटताम, अपटन, अपट, अपटतम, अपटत, अपठम, अपठावे, अपठाम। अगर मैं इसकी जगह वद धातु लेता तो कैसे होता, अवदत, अवदताम, अवदन, अवद, अवदतम, अवदत, अवदम, अवदावे, अवदाम। इसी प्रकार से प्रोसेस चलती रहेगी। तीसरा लकार हमारा है लिट लकार।